नमस्कार सर, मैं बी एस उपाध्याय वेजोल फेट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक भी अकाउंट्स के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे स्टूडेंट आज हम लोग देखा जाए कि ज़्यादातर पार्टी चालान से माल भेज देते हैं, चालान से माल बिल बाद में इनवाइस बनाते हैं, तो कभी कभी इमरजेंसी केस पर हमें चालान से माल डिलीवरी करना पड़ता है, लेकिन उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज रखना पड़ता है जिससे हमें पक्के बिल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम जानेंगे कि चालान से माल कैसे बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टैली प्राइम में डिलीवरी नोट। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम में डिलीवरी नोट इनवॉइस बनाने का सही तरीका क्या है। What is a delivery note? A delivery note is a document that accompanies a shipment of goods. It provides a list of products and quantity of goods included in the delivery. A delivery note is also known as dispatch note or goods received note. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। डिलीवरी नोट क्या है? डिलीवरी नोट एक ऐसा दस्तावेज है जो माल के शिपमेंट के साथ होता है। यह डिलीवरी में शामिल उत्पादों और माल की मात्रा की एक सूची प्रदान करता है। एक डिलीवरी नोट को प्रेक्षण नोट या माल प्राप्त नोट के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट इसका इस्तेमाल टैली में कैसे किया जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम में आते हैं और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी आपके सामने, और यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट किया जाएगा जिसमें हम लोग इस डिलीवरी इसका यहाँ पे आ गया कंपनी क्रिएट, और कंपनी का नाम भी मैंने स्टूडेंट रखा हुआ डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट ये स्टूडेंट, एंड आज का डेट डाल दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर, इससे पता चल गया आज के डेट में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। तो आज का डेट स्टूडेंट है आपका 31/1/2023। ओके स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड इंटर स्टेट आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी रिलीजन एंड इंडिया इस्तेमाल कर लीजिए। ओके एंड कंट्री स्टेट ले लीजिए स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश पर क्या चाह रहा है कुछ करना नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का 2022 ही रखिए और सेव करा दीजिए। सेव कराने के बाद स्टूडेंट वापस हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको अलाउ नहीं करना है। डिलीवरी नोट के लिए आपका अगर रिसिप्ट बिल नंबर का इस्तेमाल करना कर सकते हैं, अकाउंट ऑप्शन भी ऐसा रहेगा आपका, और यहाँ पे स्टॉक के साथ आकर इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। एंड आगे इधर जीएसटी से हमारा कोई मतलब है, जीएसटी को आप नो कर दीजिए और वापस आइए। यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस प्रोग्राम स्टोर बंद कर दीजिए, ये सारे ऑप्शन किसी भी मतलब का भी नहीं है। अब सेव करा देते हैं, सेव कराने के बाद स्टूडेंट वापस हम लोग चलते हैं एंड अकाउंटिंग वाउचर में, और ये आपका फॉर्मेट आ गया। वापस हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, करना क्या है क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन को डिलीवरी नोट बनाना है। यहाँ पे डिलीवरी नोट टैली प्राइम में सही यूज करने का सही तरीका क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले डिलीवरी नोट का यूज हम करेंगे। डिलीवरी नोट यूजेस राइट टू वे टू डू टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम में सही तरीका चलाने का क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जाना होगा टैली प्राइम में F10 फंक्शन प्रेस करना होगा, और वहां पे यानी F10 प्रेस करिए, जहाँ उसके अंदर डायरेक्ट आप की वो वाउचर से अल्ट F8 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पर डिलीवरी नोट में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट वापस हम चलते हैं टैली प्राइम पे, और वहां पे जैसे लिखा हुआ है F10 प्रेस किया और वहां पे सो इफेक्टिव ऑप्शन यहां पे ओपन कर लीजिएगा, तो आपको यहां पे स्टूडेंट मिलेगा डिलीवरी नोट। तो ध्यान से लिखा है स्टूडेंट, ये अनहाइलाइटेड है यानी हाइलाइटेड नहीं है, इसको हाइलाइटेड करना होगा। और जैसे यहां पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, यहां पे अल्ट प्लस F8 लिखा हुआ है, तो राइट साइड लिखेंगे स्टूडेंट शॉर्टकट यहां पे अल्ट प्लस F8 लिखा हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट यहां पे ये अनएक्टिवेट रहेगा तो शॉर्टकट की भी काम नहीं करेगा, तो डायरेक्ट आपको F10 में जाके इसको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग F10 में चले गए, इंटर किया, यहां पूछेगा यू नीड
एक्टिव इन दिस डिलीवरी नोट वाउचर टाइप, ठीक है, एक्टिव नाउ, यानी यहाँ से कर दीजिएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी आपको ये ऑप्शन स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस फिलहाल आपके सामने वाउचर पे रहेगा, जो वाउचर नेम रहेगा वो डिलीवरी नोट से नाम से रहेगा, या डिलीवरी नोट दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इस डिलीवरी नोट का मतलब ये जो माल है मैं किसको डिलीवर कर रहा हूँ, यानी किसको डिलीवर कर रहा हूँ, यानी माल मेरे पास से किसके पास से जा रहा है। तो यहाँ पे ऑल गुड्स सोल्ड टू खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, यानी इस क्लाइंट को माल मैं चालान पे भेज रहा हूँ, यानी डिलीवरी को चालान भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये चला डिलीवरी नोट नंबर है 101 और माल भेजा जा रहा है सैमसंग मोबाइल 100 पीस भेज रहे हैं और सैमसंग टीवी 100 पीस भेज रहे हैं, जिसका रेट 1 पीस का नाम है 10,400 मोबाइल का नाम है और 12,400 टीवी का नाम है। तो चलिए कोई आइटम ले लेते हैं, वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे और पार्टी का नाम बना लेते हैं यहाँ पे अल्ट्रा सी से खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, ये पार्टी का नाम हो गया इस पर। और यहाँ पे डेप्टर्स हो जाएगा, यानी कि माल भेजा जा रहा है, कस्टमर आपका है वो। तो यहाँ पर फार्मा आप डाल के यहाँ पे इसमें कुछ लेजर बनाते, इसमें सारा कुछ ऑप्शन आपको पहले बताया गया था, इसलिए यहाँ सेव करा के आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोर। और यहाँ कुछ भी प्रोफाइल भरना है, अगर आप जब माल भेज रहे हैं तो डिलीवरी नोट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, भाई माल का ऑर्डर नंबर जो है ये, जैसे डिलीवरी नोट नंबर क्या है, माल पेमेंट कैसे करेगा, ये तो हमारे घर से पक्के बिल में डालना चाहिए, डिस्पैच किसे करना, ये सब आपके पक्के बिल में डिक्लेरेशन करिए, चालान में इंटर डालने का कोई वजह नहीं होता है। इंटर करके सेव करा लीजिए और यहाँ पे आके इंटर करके स्पेस दबाइएगा, वापस यहाँ पे आरटीसी करिएगा स्टोर। और यहाँ पे हमें जो माल भेजना है सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर, आपको ये सैमसंग मोबाइल भेजना है, यहाँ पे लिख दीजिए स्टोर सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल ओके एंटर। और अल्ट्रासी कर देते हैं यहाँ पे, यूनिट बना देते हैं यहाँ पे पीसेस, और पीसेस का पूरा डिक्लेरिंग डाल देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, एंड पीसेस। और यहाँ पे टू लगा देगा डेसिमल प्लेस एंटर एंड सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। सेव करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए नीचे मिलेगा ट्रैक नंबर, यानी यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर, यहाँ पे ट्रैक नंबर अलाउ कर सकते हैं, यानी वही ट्रैक पे जाना या न्यू बनाना है तो मान लीजिए उसी ट्रैक पे अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरी ट्रैक पे डाल देंगे। इंटर कर लीजिएगा कितना भी माल भेजना है, 100 पीस भेजना है, ठीक है, और एक पीस का नाम मान लीजिए 10,400 रुपये स्टूडेंट है। इंटर कर दिया, इनके पास जो माल जा रहा है 10,40,000 का माल चालान से भेजा जा रहा है, 10 पीस मोबाइल भेजा जा रहा है। और यहाँ पे सेल का लेजर बना लेगा, ये ब्लॉक खोलेगा, यहाँ पे अल्ट्रासी करिएगा और यहाँ पे स्टूडेंट सेल का लेजर बना लीजिएगा, सेल का खाता सेल में डाल लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, इंटर करते रहेगा, नरेशन अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप डाल सकते हैं, अच्छा आगे बढ़ के सेव करा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये माल चला गया है स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे तो अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ रिकॉर्ड में स्टॉक समरी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टॉक समरी जो दिख रहा है आपको, स्टॉक समरी में यहाँ पे रिपोर्ट शो करेगा। तो यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट से मेरा सैमसंग मोबाइल यहाँ पे -100 पीस दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हम डायरेक्ट डिलीवरी नोट कर रहे हैं, हम अपने स्टॉक से पहले अगर परचेस किए होते, परचेस के बाद में भेजता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये टैक्स यानी जो दिखाता है कि कितना पीस आपके पास था, कितना गया, तो इसलिए माइनस दिखा रहा है कि हमारे पास परचेस था नहीं, मैं डायरेक्ट इसको चालान से भेज दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे चालान से स्टॉक में जो दिखाई दे रहा है 100 पीस आपके पास गया है और किस पार्टी को गया है उसका अकाउंट देखना चाहते हैं, अकाउंट देखने के लिए आपको जैसे पहले बताया गया था डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर, ठीक है, यानी इसको आप DAL के नाम से ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक है, तो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक में जब आप खाता खोले तो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये चालान से माल गया है, यानी डिलीवरी नोट से क्या है, डिलीवरी नोट का इफेक्ट अकाउंट्स में नहीं पड़ता है, तो ये केवल स्टॉक में पड़ेगा। इसीलिए अब आपको अगर मान लीजिए ये माल फाइनल हो जाता है, डिलीवरी हो चुका है, तो सामने वाले के लिए पक्की बिल इशू करना होगा आपको, तो पक्की बिल बनाने के लिए स्टूडेंट वापस हम जाते हैं फिर वाउचर में और वहां पे एफएफ प्रेस करते हैं, यानी सेल इनवॉइस बनाएंगे, किसको भेजना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, और इंटर करते जाएंगे, इंटर 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 इंटर। अब स्टूडेंट ये डेटा हमारा देखा जाए तो पार्टी का अकाउंट जैसे मैंने कहा शॉर्टकट DAL करेंगे आप, और यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे कौन, तो वहां पे स्टूडेंट दिखा रहा है आप कि आपने 10,40,000 का माल अकाउंट में बना हुआ, यानी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपका ऐड हो जाता है स्टूडेंट। डिलीवरी नोट बनाने का ये फायदा होता है कि आपके अकाउंट
में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाद में अकाउंट में अगर आप मान लीजिए कैंसिल हो जाता है तो इसको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप डायरेक्टली इसका अकाउंट में इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर क्लियर हो जाता है कि भैया डिलीवरी जा चुका है, उसका पक्का बिल बनाना है, तभी आप इसको अकाउंट्स में यानी आप अपने पक्के इनवॉइस में इसको चढ़ा सकते हैं। आशा है आपको समझ में आएगा कि टैली प्राइम में डिलीवरी इनवॉइस या डिलीवरी नोट बनाने का सही तरीका क्या है। तो हर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आया, वीडियो आपके इस्तेमाल का है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।